फिर से तस्करों का आतंक, सुलभ नगर में 50,500 की चोरी कर चोर हुए थे फरार। वापी की एक कंपनी में भीषण आग लगते 3 कर्मचारी हुए थे घायल। सुजलाम सुफलाम जल अभियान अंतर्गत पाटी तहसील में चल रहा काम मंद गति में। अब समाचार विस्तार से। पाटी सुलभ नगर रॉयल पार्क में तस्करों ने खिड़की की ग्रिल और जाली को तोड़ 50,500 की चोरी कर हुए थे फरार। पाटी सुलभ नगर साई सागरीला सोसाइटी के आगे आई रॉयल पार्क सोसाइटी में बंगलो नंबर 20 में रहते चिग्निशा बहन जयमंगल सिंह, जो शुक्रवार रात्रि अपने पुत्र के साथ नवशारी शादी में गए थे, उस दौरान रात को कोई अनजाने तस्करों ने बंगलों की खिड़की की ग्रिल और जाली को तोड़ अंदर पहुंचे थे और बंगलों के ऊपर के बेडरूम में रखी गई घड़ियाँ, जिसकी कीमत 13,000, सोनी कंपनी का कैमरा, चांदी की दशामा की मूर्ति, बर्तनों का सेट, 2 चांदी के सिक्के मिला के 16,500 और कैश 12,000 मिला के कुल 50,500 की तस्करी कर चोर फरार हुए थे। शनिवार सुबह जब नौकरानी आई तो मालूम हुआ कि बंगलों की आगे की रूम की ग्रिल टूटी हुई है। तुरंत ही नौकरानी ने जिग्निशा बहन को जानकारी देते जिग्निशा बहन तुरंत ही पार्टी पहुंच गए थे। साथ ही तस्करों ने पास में आए एक बंद बंगलों को भी टारगेट करने का प्रयास किया था, पर निष्फल रहे थे। पार्टी में हुई चोरी को लेकर लोगों में भय का माहौल बना हुआ हो, रात दिन पेट्रोलिंग पुलिस की बढ़ाई जाए, ऐसी आवाज लोगों में उठ रही है। वही बंगलों मालिक जिग्निशा बहन ने पार्टी पुलिस थाने में अनजाने चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते पुलिस ने डॉग स्क्वाड और FSL की टीम भेजने के लिए PSI HC झाला ने मकान मालिक को बताया था। घरे चोरी थी जाती मॉर्निंग में कॉल आया था, मैं मैरिज में गया था, मॉर्निंग में निकल गया था 6:32 एटला वगे, पछि अमे ना मैरिज में गया था नवसारी, सो अमने सवारे कॉल आयो कामवाड़ी नो के घरे चोरी थी छे, तो अमे आया तो पहले बीजा घरे ट्राई करी, सो ता नहीं ये लोग थी तोड़ू, तो अमारा घर आवीने अमारा दरवाजा नो पण ट्राई कर पण नहीं गयो, तो ये लोग बारी ने अंदर थी आया, बारी ने ग्रील पण ये लोग लटकाई गया छे ने बारी ने अंदर थी आया छे। कॉइन्स था, सिल्वर ना 2 कॉइन्स था ने गोल्डन कॉइन्स तो ने मतलब पैसा था, कैमरा तो ते पण ले गया ने 12,000 कैश था ने चांदी नो वस्तु तो ते पण गलियाड थी, कपल वॉच थी 9,000 नी एंड 2 बार्नी वॉच थी। वापी JADC की अनंत को एंटरप्राइज कंपनी में केमिकल प्लांट में ज्वलंतशील रासायनिक जत्थे में ब्लास्ट होते लगी थी भीषण आग। वापी JADC के सेकंड फेज में आए अनंत को इंटरप्राइज केमिकल प्लांट में ज्वलनशील रासायनिक जत्थे में ब्लास्ट होते भीषण आग लगी थी। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कंपनी के संचालकों द्वारा एक गोडाउन में रखे गए केमिकल को सुरक्षित जगह पे नहीं रखा गया हो, कंपनी की लापरवाही बाहर आई थी, जिसके कारण अचानक से आग लगी थी। घटना के बारे में फायर फाइटरों को जानकारी देते वापी नोटिफाइड विभाग की टीम और वापी JIDC पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। आग में कंपनी के 3 जितने कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हो, घायल अवस्था में अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया था और फायर फाइटरों की 9 जितनी गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुँच भारी जहमत के बाद आग को काबू में करने की कार्यवाही शुरू की थी। एक्चुअली मैं आवाज सांभळ्यो, धड़ाको सांभळ्यो, एटले हूँ बाहर निकलो कि क्या गाड़ी थयो छे, त्यारे पछी 2 માણસોને અમારો જે હતા તે બહાર નીકળ્યા અને મેં પૂછ્યું કે સેમ્પલ ડ્રો કરો, આપણે ડ્રમ ફાઇટું છે અને ફાયર પકડ્યું, એટલે તરત જ મેં બધે એ કરવા માંડ્યું અને પેલા માણસો જે આવ્યા તેને ગાડીમાં મોકલવા માટે તકલીફ કરી, કેમિકલ સોલ્વન્ટ હતું, ડાયોક્સાઇડ, 2 માણસો, 2 આમ તો 2 દાઈજા છે, એક બીજો કેમિસ્ટ છે તે થોડું દાઈજો છે, કારણ તો હવે હું અહીંયા બેઠો ત્યાંથી ખબર પડે, પણ નેચરલ છે કે धड़ाको से आग लगी है दहिया। पाटी तहसील ग्रामीण विस्तारों के 26 तालाबों की सुजलाम सुफलाम जल अभियान अंतर्गत चल रही कामगिरी मंद गति की होने की आवाज लोगों में उठ रही है। राज्य भर के शहर और ग्रामीण विस्तारों में आए तालाबों को सुजलाम सुफलाम जल अभियान अंतर्गत गहरा करने की कामगिरी चल रही हो, पाटी तहसील के विविध गांवों में 26 तालाबों में चल रही मंद गति से कामगिरी को लेकर लोगों में आवाज उठ रही है, तो पाडी के सुखेस गांव के सक्रिय ऐसी महिला सरपंच मित्तल पुनीत पटेल उनके गांव में चल रहे इस काम को निरीक्षित करने के लिए पहुंचे थे।
उसी के साथ शनिवार को सूरत के प्रभारी विवेक पटेल, मंत्री रमणभाई पाटकर, सांसद डॉक्टर केसी पटेल, पार्टी के विधायक कनुभाई देसाई आदि ने पहुंच के स्थल निरीक्षण किया था। साथ ही बालता गांव में चल रहे काम में विवाद बीच में आ रहा हो, यहां से मिट्टी भर के ट्रैक्टरों में गैर कायदा के डाली जा रही होने की आवाज़ गाँव के लोगों में उठ रही है। समग्र तालाबों को गहरे करने में ध्यान देने की कामगिरी TDO VC बागुल को सौंपी गई है। तालाब गहरे करने का मापन एक सरकारी कर्मचारी विनोद भाई संभाल रहे हैं, जिनके साथ टेलीफोनिक जानकारी का प्रयास करते विनोद भाई ने फोन तक उठाने की तस्दी नहीं ली थी। तो जिसको कामगिरी दी गई है उस पर ध्यान दिया जाए वो जरूरी बन रहा है। सुफलाम जड़ योजना 2018 अंतर्गत हमारा सुकेश तगड़िया ने देवजी फड़िया तड़ाव पर अपना वन और आदिजाति मंत्री श्री रमण भाई पाटकर, अपना सांसद श्री KC पटेल ने धारासभ्य श्री कनुभाई देसाई द्वारा उद्घाटन थे पची थी अँ खूब जोरशोर में कामगिरी चाली रही है। ने एक बे दिवसों पची थी कनुभाई बे थी त्रण वार अँ विजिट करी है, पोते देखरेख राखे। आज डॉक्टर KC पटेल साहेब, कनुभाई और सूरत उधना विस्तार धारासभ्य श्री विवेक भाई आज अँला चकासणी अमरा अँ जे आ काम चाली रू है, ये तड़ावन पाड़ पुराण कर ऊँची कर અને મંદિરની સામે એનું પુરાણ કરીને જગ્યા ડેવલપ થાય એ રીતનું કામ ખૂબ જ જોરજોરથી ચાલી રહ્યું છે। સુજલામ સુફલામ જળ યોજના ખોદવાની જે જળ યોજના છે એની માટી જે નીકળે છે ગામના ખેડૂતો અહીં રજૂઆત કરે છે અરજી, એના દ્વારા અમને એ લોકોને માટી અહીંયાથી ફ્રીમાં આપીએ છીએ કોઈ પણ પ્રકારના પૈસા લીધા વગર, એ ખેડૂતોને ખૂબ જ સહાયરૂપ બને છે। એ માટીનો ઉપયોગ ગામમાંથી ગામમાં જ કરવામાં આવે છે ને એને ગામથી બહાર લઈ જવાની અમે સખત મનાઈ રાખેલી છે ને એની પૂરેપૂરી અમે ચકાસણી પોતે રાખીએ છીએ અને ગામથી બહાર માટી ન જાય એનું પૂરેપૂરું ધ્યાન અમે રાખીએ છીએ। બ્રેક કે બાદ આપ સૌકા સ્વાગત છે। દાદાનગર હવેલી ભાજપા સાંસદ ધટુભાઈ પટેલને સાંસદ નિધિસે દાદાનગર હવેલી પ્રદેશવાસીઓ એક હાઈટેક રોડ, સફાઈ મશીન ઓર 3 AC સબવાહિની દેકર ઐતિહાસિક કામ કિયા। संघ प्रदेश दादरानगर हवेली के भाजपा सांसद नटुभाई पटेल ने फिर से अपने जनकल्याणकारी कार्य को आगे बढ़ाते हुए दादरानगर हवेली की जनता को एक हाईटेक रोड, सफाई मशीन और 3 AC शववाहिनी अपने सांसद निधि से दी, जिसकी लागत करीब 90 लाख जितनी है, जिसका उद्घाटन सांसद के कर कमलों द्वारा किलवणी नाका चौराहे पर शाम करीबन 5:30 बजे के आसपास शुक्रवार को किया गया था। सांसद नटुभाई पटेल के पास सिलवासा नगर पालिका द्वारा एक रोड सफाई मशीन की मांग की गई थी, जिससे सिलवासा के रोड रास्तों की सफाई एवं कचरा साफ करने में सुविधा हो सके। सांसद ने अपने सांसद निधि से यह मशीन सिलवासा नगर पालिका को समर्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान और सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने को ध्यान में रखकर यह मशीन लाई गई है। इस मशीन की लागत 45 लाख में खरीदा गया है। साथ ही 108 सेवा सांसद निधि से 23 एम्बुलेंस देने के बाद दादरानगर हवेली की जनता ने सब वाहिनी की मांग की थी। अस्पताल में किसी की मृत्यु हो जाने पर शव को घर ले जाने पर काफ़ी असुविधा होती थी। इस समस्या को देखकर सांसद ने अपने सांसद निधि से 45 लाख रुपया की लागत की 3 सबवाहिनी स्वास्थ्य विभाग के जरिए जनता को समर्पित की, जिसमें से 2 सबवाहिनी सिलवासा और 1 सबवाहिनी खानवेल के अस्पताल से अपने क्षेत्र में सेवा देंगी। इस अवसर पर सांसद नटुभाई पटेल ने विधिवत मशीन और सब वाहिनी की चाबियां सौंप कर और हरी झंडी दिखाकर अपने क्षेत्र में रवाना किया। इस अवसर पर सांसद नटुभाई पटेल के साथ नगरपालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, मुख्य अधिकारी मोहित मिश्रा, स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर VK दास, नगरपालिका से 15 वार्ड के काउंसिलरों, व्यापारी सेल के प्रमुख शांतुभाई पुजारी सहित व्यापारी और प्रदेश की जनता उपस्थित रही थी। દાદરાનગર હવેલીની જનતાની ડિમાન્ડ હતી કે કંઈ બી દુર્ઘટના થાય તો આર્થિક શરીર લઈ જવા માટે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય, એટલા માટે અમે અહીંથી ડૉક્ટર દાસ સાહેબથી પણ ઘણી વખત રિક્વેસ્ટ આવેલી, મારી પાસે ખંભેલથી પણ રિક્વેસ્ટ આવેલી, બધા સરપંચોની રિક્વેસ્ટ હતી, એટલા માટે મેં 2-3 હોર્સમેન એક ખંભેલ અને 2 સેલવાસામાં આપવામાં આવી છે અંતિમ હતી। અને આજે સેલવાસા નગરપાલિકામાં જનતાની ડિમાન્ડ હતી અને અમારા રાકેશભાઈ, અજયભાઈ, CO સાહેબ સારી પ્રતિનિધિ ડિમાન્ડ હતી,
कि सिलवासा में हमारे व्यापारी भाई संतू भाई सबकी उन लोगों की डिमांड थी कि यहाँ कचरा बहुत निकलता है, सुबह डस्ट निकलता है, उसको वैक्यूम और रोड साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो मैंने एम पी लाड स्कीम से कम 45 लाख से ना 47 लाख का मैंने एमपी फंड से दिया है और दूसरी गाड़ी की भी डिमांड की गई है, वो भी मैं जल्दी एमपी फंड से दूँगा, क्योंकि सेवा साफ सुंदर और अच्छा रहे ये हमारी नीति है। और सिलवासा नगर पालिका और दादर नगर हवेली जनता का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है स्वास्थ्य अभियान भी हम चलाते हैं और हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल जी के ये उनका भी यही है कि भाई दादर नगर हवेली साफ सुथरा रहे। हमारे प्रिय प्रमुख श्री राकेश सिंह चौहान सर के नेतृत्व में बायलॉज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास किए हैं और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। ये वर्षों से पेंडिंग थे, जब से नगर पालिका बनी तब से अब तक कोई बायलॉ नहीं थी, बायलॉ पास कर दिया है जिसके अंदर ऐसे ही गलत काम करने वालों पे कड़ा जुर्माना है। पर हम ये मानते हैं कि सिर्फ जुर्माना करने से लोग नहीं सुधर सकते, इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि हम प्रचार और प्रसार के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का महत्व बताएं और बहुत बार कहने भी जो न माने कि उसी को जुर्माना लगाए। ऑलरेडी रेड क्रॉस में बे गाड़ियाँ अवेलेबल है, बाहर ना लोगों माटे अपन है, तो एटले आम बे तरीके से वर्क डिवाइड करलो छे। दादरा नगर आजूबाजू एरिया माटे अमे आवीए ने जे दूर बिहार ने यूपी ले जावा रेड क्रॉस। મારા માનવાનું છે કે જે રિસ્પેક્ટ આપણે જીવતા માણસને આપે તે રિસ્પેક્ટ એક ડેડબોડીને પણ આપીએ, તો મેં સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરેલો કે 3 એસી સફાઈની ડોનેટ એમપી લાઈટ ફંડમાંથી આપે, તો સાહેબ એગ્રી થયા સાહેબ, ને અમે 3 હર્સમેન યા ડીએનએચ પણ એમપી લાઈટ ફંડમાંથી લઈ આવ્યા, 2 સિલવાસામાં રહે છે, જો ઇનોવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં રહે છે અને 1 ખાનવેલ સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં રહે છે, કારણ કે સાઉથ નગર હવેલીમાં જેટલા ડેડ બોડીઝ હોય તેને શિફ્ટ કરવાનું હોય તો તેને લાભ આપીએ, અને સિલવાસાના આજુબાજુના એરિયામાં જેટલા પણ ડેડ બોડીઝ શિફ્ટ કરવું હોય તેને આપવાનું। સિલવાસા સ્થિત બાળ ભવન કેન્દ્રમાં ગ્રીષ્મકાલીન શિબિર કા હુઆ ભવ્ય સમાપન, ઉપસ્થિત રહે કઈ દિગ્ગજ બાળ કલાકાર। સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી સિલવાસા સ્થિત બાળ ભવન કેન્દ્રમાં આયોજિત 4 દિવસીય ગ્રીષ્મકાલીન શિબિર કા પુરસ્કાર વિતરણ કે સાથ ભવ્ય સમાપન હો ગયા। सिलवासा की लवणी नाका स्थित बाल भवन के प्रांगण में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में इस शिविर में भाग लेने वाले सभी छात्रों और उनके ट्रेनरों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस समर कैंप में सिलवासा, गुजरात और महाराष्ट्र के करीबन 300 जितने छात्रों ने हिस्सा लिया था। कैंप के दौरान उन्होंने लोक कला, नृत्य, पेंटिंग, डांस, कराटे आदि की ट्रेनिंग ली और इस शिविर को सफल बनाया। समापन कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव कुलदीप सिंह ने भी सभी विजेता छात्रों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। इस रंगारंग कार्यक्रम के दौरान बाल भवन निदेशिका मोनिका सोनी, कोषाध्यक्ष कृतिका सोलंकी, कराटे मास्टर राधा कृष्णन सहित छात्रों के अभिभावकों, अन्य लोगों आदि उपस्थित रहे थे। कल्चरल इवनिंग का समापन हो रहा है। इस फंक्शन में 11 बाल भवन से आए हुए बच्चे हैं, हमारे लोकल बाल भवन से आए हुए बच्चे हैं, साथ ही दूर स्कूलों से आए हुए बच्चे हैं जिन्होंने भाग लिया है। इन 3 से 4 दिनों में बच्चे साथ में रहे हैं, कई वर्कशॉप्स उनके लिए एंगेज की गई हैं जहां उन्होंने बहुत सारी कलाकृतियों को साथ में सीखा, साथ में रहे, अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को एक्सचेंज किया, एक साथ रहने की भावना सीखी,
साथ ही आज सुंदर प्रस्तुतियां देकर वो ये दर्शा रहे हैं कि ये कैंप उनके लिए एक बहुत ही अवेटेड इवेंट है, जिसमें वो भाग लेने के लिए उत्सुक रहते हैं अपनी अपनी तैयारियों के साथ। और ये सब तैयारियां वो सब साथ में लेकर जाते हैं जब वो कल यहाँ से सर्टिफिकेट्स लेकर जो है वैलिडेटरी सेशन में पूरा करेंगे। ये यादें जो है बच्चों के साथ रहती हैं, अगली बार वह इससे भी उत्साह से परफॉर्म करना चाहते हैं। हम थैंकफुल हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमें इतना सपोर्ट करती हैं, जो इस प्रोग्राम को हम बच्चों के लिए आयोजित कर सकते हैं, जो बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों को एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करते हैं, जहाँ वो एक साथ रह कर बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ एक्सचेंज करते हैं, बहुत सारी सुंदर यादें बाल भवन के माध्यम से लेकर जाते हैं। हम खुश हैं हमें यह अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को सर्व करने की, जो कल के नागरिक बनेंगे उन्हें थोड़ा बहुत ट्रेन करने की, उनके साथ रहने की और उनके साथ हमारे जॉयस को शेयर करने की। दादरा नगर हवेली सिलवासा स्थित प्रमुख बिहार के सोसाइटी में अंतरा बिजनेस सॉल्यूशन का लगाया गया स्टॉल, उमड़ी लोगों की भीड़। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के प्रमुख गार्डन सोसाइटी में शुक्रवार को शाम 3 से रात्रि के 8 बजे तक अंतरा बिजनेस सॉल्यूशन का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। अंतरा बिजनेस सॉल्यूशन बिरला गोल्ड के साथ टाइप है। बलसाड जिला के वापी स्थित चला दमन रोड सौपर्श गेट की तीसरी मंजिल स्थित कार्यालय 15 अप्रैल सुबह 11 बजे चिन्मय स्वामी के हाथों शुरू किया गया था। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा एक छोटा सा प्रदेश है, जिसमें उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के ग्राहकों के लिए अंतरा बिजनेस सॉल्यूशन एक सुनहरा मौका लेकर आया है। इस बिजनेस का लाभ लेकर ग्राहक अपने बचत प्लान के हिसाब से हर महीने एक निश्चित रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें सभी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते हैं। इसमें 11 महीने का प्लान है, जिसमें नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ध्यान रखा गया है, ताकि छोटे इन्वेस्टमेंट करके भी गोल्ड ज्वेलरी के माध्यम से अपने अस्तित्व को समाज में सेफ्टी के साथ रख सकते हैं। यह कैंप में अंतरा बिजनेस सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुरलीधर राव खास उपस्थित रहे थे। उनके साथ अंतरा बिजनेस सॉल्यूशन की पूरी टीम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे थे। बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हम जैसी जो महिलाएं होती हैं, उनको गोल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पहनना हो या किसी तरह से भी गोल्ड ज़्यादा पसंद करती है, तो उनके लिए ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इजीली वो ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करके। अंतरा बिजनेस सॉल्यूशन LLP की तरफ से हमने प्रोग्राम किया था एक बिरला गोल्ड को लेकर, और चेरिश गोल्ड जो हमारा प्लान है 11 महीने का SIP प्लान है, वो हमने यहाँ पे प्रमुख विहार में प्रमोट करने का सोचा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें। यहाँ से लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है प्लान जानने के बारे में, इस पर लेने के बारे में, और इसमें काफ़ी बेनिफिट्स है जो हम आगे चल के लोगों को देना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमें यहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है, तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम और हम आगे दूसरे सोसाइटीज़ में पूरे सिलवास वापी वलसाड साइड कवर कर सके, और हम जल्दी ये सब चालू करेंगे। समाचारों के अंत में एक नज़र डालते हैं फिर से आज की सुर्खियों पर। पार्टी में फिर से तस्करों का आतंक, सुलभ नगर में 50,500 की चोरी कर चोर हुए थे फरार। वापी की एक कंपनी में भीषण आग लगते 3 कर्मचारी हुए थे घायल। सुजलाम सुफलाम जल अभियान अंतर्गत पाटी तहसील में चल रहा काम मंद गति में। तो ये थे अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।